प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा अब तक हम इसके मौखिक प्रश्नों को पे चर्चा कर रहे थे, आपको पता है हमने कल इसके पहले तीन प्रश्नों को चर्चा पे लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मौखिक जो प्रश्न है वो हम भले मौखिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में वैसे प्रश्न आते हैं। हमने कल ग प्रश्न पे चर्चा की थी, इसको मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ जो बच्चों का छूट गया हो, उसके बाद घ पे चर्चा करेंगे। कल हमने ग तक किया था, क ख ग, तो हमने क प्रश्न में किया था सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमी किन किन नामों से पुकारते थे, तो उनके दो हम कहेंगे दो नाम थे, मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर, ये उनके व्यक्तित्व के अनुसार उन्होंने नाम रखा था। मास्टर ब्लास्टर का मतलब जो धमाके के साथ तेजी से रन बनाए। सचिन अपने शुरुआती खेल के जीवन में बहुत तेज रन बनाते थे, इसीलिए उनको लोग मास्टर ब्लास्टर कहते थे। लिटिल मास्टर ये उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, ये छोटे कद के व्यक्ति थे, खिलाड़ी थे, तो उनको और अपने खेल में निपुण थे, इसीलिए उन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा था हमारा प्रश्न, सचिन का नाम किसने और क्यों रखा। हम जानते हैं सचिन का नाम उनके दादाजी ने रखा, क्योंकि वे एक संगीतकार से प्रभावित थे जिनका नाम था सचिन देव बर्मन, और शायद इसी कारण से उन्होंने सचिन का नाम उन्होंने सचिन देव बर्मन पर ही रखा। उनको संगीत सुनने का बहुत शौक रहा था और वे इस संगीतकार से, सचिन देव बर्मन नाम के जो समय काफ़ी मशहूर संगीतकार थे, उनसे वे काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने अपने पोते का नाम भी सचिन के नाम पे रखा। उसके बाद ग प्रश्न, ये हमारा 1988 के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट की क्या विशेषता है। 1988 में जो हैरिस शील्ड प्रतियोगिता थी उसकी क्या खासियत थी, वो क्यों 1988 का वो हैरिस शील्ड वाला प्रतियोगिता क्यों प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि उसी मैच में सचिन और उनके साथी थे विनोद कांबली, सचिन के दोस्त और क्रिकेटर विनोद कांबली ने मिलके साझेदारी में, पार्टनरशिप बोलते हैं इंग्लिश में, साझेदारी में मिलके दोनों ने, आपको क्रिकेट खेल का पता ही है, इसमें दो बल्लेबाज एक साथ उतरते हैं और ये बदल बदल के खेल खेलते हैं, जो दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी, जो मिलके उन्होंने रन बनाए वे थे 664 रन, और ये काफ़ी विशाल रनों का, क्या कहेंगे, रनों का पहाड़ लगा दिया, और विरोधी जो दल के बल्लेबाज थे वे बेचारे वे हार चुके थे, उनके छक्के छूट गए, लिखा भी है मुहावरे में छक्के छूट गए, मतलब वे हार चुके थे। तो 1988 के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में उन्होंने 664 रन की साझेदारी में के रन बनाए। इसका साझेदारी का अर्थ फिर से मैं बता दूं, दो खिलाड़ी मिलके जितने रन बनाते हैं उसको उन दो खिलाड़ियों के बीच में हुई साझेदारी कहा जाता है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है पार्टनरशिप। अब हम अपने घ प्रश्न पे आते हैं और इस पे चर्चा करेंगे। आज हमारा घ प्रश्न है मौखिक का घ, तो प्रश्न है मौखिक, और घ इस पे आज चर्चा करना है। भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर को
को किन किन समाधियों किन किन उपाधियों से सम्मानित किया है, को किन किन उपाधियों से सम्मानित किया है। तो उनके उनको कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं, तो सबसे पहला आपको तो पता ही है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इससे ऊंचा कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए इसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। और ये सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी को ये सम्मान नहीं दिया गया, यहाँ तक कि कहा भी जाता है कि सचिन को ये सम्मान देने के लिए भारत रत्न के जो चुनने का जो प्रक्रिया है उसमें खिलाड़ियों का नाम को शामिल किया गया, उसमें संशोधन किया गया, उसमें सुधार किया गया और खिलाड़ियों के लिए भी उसे खोल दिया गया। और इसी कारण से सचिन तेंदुलकर ही पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। तो उनको कई बहुत सारे सम्मान मिले, उनमें से कुछ ये हैं कि 1994 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अर्जुन अवार्ड क्या होता है बच्चों, एक अच्छे खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा, उसे अर्जुन सम्मान दिया जाता है। उसके बाद उन्नीस सौ 1997-98 में उन्हें राजीव खेल रत्न, ये सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से भी बड़ा होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये 1997-98 में उनको दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो खिलाड़ियों के जो दो श्रेष्ठ सम्मान होते हैं, एक अर्जुन पुरस्कार एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये तो उन्होंने जीते ही जीते। इसके अलावा उन्होंने 1999 में पद्मश्री तथा 1908 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये थे क्या हम कहेंगे इनके सम्मान, और सर्वोच्च सम्मान को तो आपको पता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी उन्हें दिया गया। तो ये थे हमारे इनके सम्मानों की सूची, फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर को किन किन उपाधियों से सम्मान दिया गया। पहले खेल की उपाधियाँ हम गिनेंगे, सबसे छोटे से अर्जुन पुरस्कार मिला है उनको, अर्जुन पुरस्कार एक अच्छे खिलाड़ी को मिलता है अगर उसका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा होता है, और उससे भी बड़ा पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार से भी बड़ा जो खेल की दुनिया में भारत में मिला जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी उनको मिल दिया गया। उसके बाद हम अन्य उपाधियों और सम्मान पर चलते हैं, तो उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण ये दो, अब ये भी काफ़ी प्रतिष्ठित सम्मान होते हैं, वो दिया गया। और अंत में उन्हें भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वे भी दिया गया। तो ये इनके हम कहेंगे सरकार, भारत सरकार द्वारा, और ये सारे पुरस्कार भारत सरकार द्वारा ही दिए जाते हैं।
तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित सम्मान था इनके पास। तो अगर परीक्षा में आता है तो आप ये कुल मिला के हम कहेंगे 5 प्रकार के सम्मान होंगे। पहले खेल की दुनिया से सुन करेंगे अर्जुन पुरस्कार, दूसरा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दे दो हो गए, उसके बाद पद्मश्री, पद्म विभूषण और अंत में सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। तो ये थे 5 तरह के सम्मान, तो हम इनके उत्तर के 5 सम्मान को लिख के करेंगे। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न, और मौखिक प्रश्न के बारे में मैंने आपको कितना बताया है कि मौखिक प्रश्न को हम लोग उतना सीरियसली बच्चे नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि, और ये लिखा भी नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात कि आप अगर नोटबुक में लिख लेते हैं तो वो चीज़ याद रहती है। लिखित प्रश्नों को हम लिखते हैं लेकिन इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि हम किसी भी तरह के प्रश्न परीक्षा में आए उसका उत्तर दे सकें। अब हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों की ओर। इसमें इस पाठ में लिखित प्रश्न ज़्यादा नहीं हैं, 3 हैं, तो हम उसको करना शुरू करते हैं, लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौखिक हमने कर लिया आज, यह है लिखित प्रश्न। इसे आपको अपने नोटबुक में करना है, आपको पता है। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तो क्रिकेट के अलावा सचिन को क्या क्या पसंद है? क्या क्या पसंद है? तो क्रिकेट तो पसंद है ही है, इसमें दो राय नहीं है कि सचिन को क्रिकेट बहुत पसंद था, इसी कारण उन्होंने बचपन से अपना स्कूल जो घर के पास था उसको छोड़ करके अपना दाखिला, उनके घर वालों का कोई दबाव नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना दाखिला घर से दूर शारदा आश्रम में करवाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें क्रिकेट से बहुत प्रेम था। उसके लिए उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, अपने दोस्त छोड़ने पड़े, लेकिन क्रिकेट का प्रेम सबसे बड़ा था। तो हम क्रिकेट के अलावा क्या क्या पसंद है उस पर आ जाते हैं। तो हम कहेंगे सचिन को एक और खेल पसंद था, टेनिस। यहाँ तक कि हमारे पाठ्यपुस्तक में लिखा गया है कि वो जॉन मैकनेरो को अपना हीरो मानते थे। वे बहुत बड़े टेनिस के खिलाड़ी थे और वे उन्हें अपना हीरो समझते थे, और उनका अनुसरण करने के लिए हेडबैंड और रिस्ट बैंड
और हाथ में रैकेट, टेनिस का रैकेट लेके घुमा करते थे। वो उनको टेनिस से भी लगाव था, टेनिस भी उन्हें पसंद था। और हमारे पुस्तक में दिया है उन्हें संगीत भी पसंद था। संगीत शायद वो बचपन से, उनके जो दादाजी थे वे सचिन देव बर्मन के गाने या गीत सुना करते थे, तो इस कारण से बच्चा अगर ऐसे माहौल में रहेगा तो उसे भी संगीत से ही प्रेम हो जाएगा। तो ये दो कारण हम कहेंगे, इन दो कारण से सचिन को क्रिकेट के अलावा ये दो चीज़ें बहुत पसंद हैं, पहला टेनिस और संगीत। क्रिकेट तो सबसे पहले है ही है ऊपर, उसके अलावा पूछ रहा है यहाँ, क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट तो है, उसके बाद सचिन को क्या क्या पसंद है, तो हम लिखते हैं इसका उत्तर। क्रिकेट के अलावा सचिन को टेनिस और संगीत और संगीत पसंद है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, ये हम कहेंगे ये तो लघु प्रश्न, ज़्यादा विस्तार से नहीं, एक वाक्य वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब लघु प्रश्न के श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर से आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। क्रिकेट के अलावा सचिन को क्या क्या पसंद है, उत्तर है क्रिकेट के अलावा सचिन को टेनिस और संगीत पसंद है। क्रिकेट के अलावा सचिन को क्या क्या पसंद है, क्रिकेट के अलावा सचिन को टेनिस और संगीत पसंद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ख। लिखित का ख, लिखित का ख है हमारा प्रश्न है, सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया, तो इस प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। तो शारदा आश्रम क्या था बच्चों, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जितने भी देश में, महाराष्ट्र में तो सही देश की अच्छा, हम कहेंगे अच्छे, वहाँ पे अच्छा क्रिकेट का प्रशिक्षण करवाया जाता था, वहाँ पे अच्छा क्रिकेट का प्रशिक्षण करवाया जाता था। सचिन के घर से भी ये काफ़ी दूर था, सचिन की इच्छा थी कि वे अच्छा एक क्रिकेटर बने। उनके भाई अजीत ने भी उनका एक गुण पहचान लिया था और वे भी चाहते थे कि सचिन को
अच्छा प्रशिक्षण मिले ताकि वो कुछ खेल की दुनिया में कर सके। तो ये जो दाखिला करवाने की बात है, सचिन के पिताजी ने उन्हीं पे छोड़ दिया कि आपको शारदाश्रम में दाखिला करवाना है तो आप करवाइए, मैं हमारे घर की तरफ से या परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं। और सचिन का प्रेम क्रिकेट की तरफ था ही, उन्होंने इसके लिए वे सहमत हो गए। लेकिन सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया? क्योंकि जो शारदाश्रम है वह क्रिकेट की फैक्ट्री बनाने के लिए या क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। वहाँ अच्छे अच्छे खिलाड़ी सीख करके निकलते हैं जो देश का नाम ऊंचा करते हैं। तो यही कारण था, उस समय का सबसे अच्छा हम कहेंगे क्रिकेट सीखने का या क्रिकेट के प्रशिक्षण का एक अच्छा स्कूल था। तो यही कारण था कि सचिन को इस अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने का निर्णय लिया गया, और वो भी सचिन की इच्छा से ही। तो लिखते हैं इसका उत्तर। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में करवाया गया क्योंकि शारदाश्रम मुंबई में शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री की फैक्ट्री एक अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी का कारखाना, जहाँ पे कोई चीज किसी चीज का उत्पादन होता है या बनाए जाते हैं चीज, फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो ये था उसका कारण, शारदाश्रम में सचिन का दाखिला करवाने का कारण था। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया? क्योंकि हम कहते हैं अगर किसी चाहे खेल हो चाहे संगीत हो, सबसे ज़्यादा जहाँ अच्छा प्रशिक्षण या गुरु मिलता है वहीं पे जो एक होनहार छात्र होता है, चाहे पढ़ाई का हो, खेल का हो, किसी खेल का हो, उसका अगर वहीं पे दाखिला करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से सीखेगा। इसीलिए आपने देखा होगा पेरेंट्स या अभिभावक जो होते हैं वो अच्छे से अच्छे नामी से नामी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाने के लिए लगे रहते हैं। उनका यही कारण उनके पीछे भी है, ये चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा
अच्छे स्कूल में या अच्छे जगह जाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से और जल्दी सीखेगा। तो यही बात सचिन पे भी लागू होती थी। मुंबई में उस समय सबसे अच्छा स्थान क्रिकेट सीखने के लिए वो था शारदाश्रम, और खास खिलाड़ियों में तो इसे कहा जाता था कि ये तो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या होता है? कारखाना। यहाँ पे कारखाने में सामान तैयार होता है, आपने देखा होगा। लेकिन शारदाश्रम में क्या था, अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार होते थे। तो इसकी तुलना फैक्ट्री से या कारखाने से क्यों की गई है? क्योंकि तो जिस तरह एक कारखाने में क्या होता है, सामान बनता है, कोई वस्तुएं तैयार होती है एक के बाद एक लगातार, ठीक उसी तरह शारदाश्रम। हाँ, इसका मैं नाम पे भी आपको बताता हूँ। शारदा और आश्रम, ये दो शब्दों के मेल से शारदाश्रम बना है। शारदा और आश्रम, यहाँ पे क्रिकेट के बहुत अच्छे कोच थे रामाकांत अचरेकर। वे इसी में बच्चों को, यहाँ बच्चे खिलाड़ियों की कह रहा हूँ, खिलाड़ियों का को प्रशिक्षित कर देते थे, उनको सिखाते थे कैसे खेला जाता है। तो ये जो काफ़ी नामी स्कूल था, स्कूल वह स्थान होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई विषय हो। तो वे जानते ही थे कि मुंबई में अगर किसी व्यक्ति को अच्छा से अच्छा क्रिकेटर बनना है और अच्छे से अच्छे क्रिकेटर का कोच या प्रशिक्षक ढूंढना है तो शारदाश्रम में उसका दाखिला करवा दिया जाए। और यहीं पे सचिन ने क्रिकेट सीखा, और वहाँ के जो उनके कोच थे रामाकांत अचरेकर, उन्होंने उनको प्रशिक्षित किया, उनको प्रशिक्षण दिया, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनिंग किया, और अभ्यास से जो गुरु होता है वो क्या करता है, सिखाता है, उसकी तकनीकें समझाता है, और जो शिष्य होता है खिलाड़ी वो उसका अभ्यास करता है, अभ्यास करके उस जो तकनीक है उसमें सुधार लाता है और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। तो सचिन ने भी वैसे ही किया। तो सबसे पहली बात थी दाखिला। इस दाखिला के बारे में कहा जाता है कि सचिन के जो बड़े भाई थे उनसे 11 वर्ष बड़े थे, अजीत तेंदुलकर उनका नाम था, अजीत तेंदुलकर, और उन्होंने सबसे पहले सचिन के क्रिकेट के प्रेम को देखा और उनकी तकनीक को बड़े ध्यान से देखा। तब उनको समझ आ गया कि नहीं, सचिन केवल शौक के लिए नहीं खेलता, यह क्रिकेट में कुछ बनना चाहता है। तो बड़े भाई के रूप में उन्होंने एक सही रास्ता दिखाने के लिए सोचा, और उन्हें पता था कि इस समय रामाकांत अचरेकर जो कि बहुत अच्छे कोच हैं और वे शारदाश्रम में ही सिखाते हैं, तो सचिन को अपना स्कूल बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनको शारदाश्रम में दाखिला लेना पड़ेगा, उनके घर से काफ़ी दूर था और उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ता अपना। तो यही बात उन्होंने अपने पिताजी, या हम कहेंगे सचिन के पिताजी को बताई, तो उनके पिताजी काफ़ी समझदार थे। उन्होंने कहा कि ये फैसला हम नहीं ले सकते, हम अपने बच्चे का स्कूल बदल नहीं सकते, आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें किसकी राय लेनी होगी, सचिन तेंदुलकर की। और उन्होंने ये फैसला सचिन पे ही छोड़ा था कि बेटा आपको तय करना है कि आपका दाखिला किस में किया जाए, शारदाश्रम में करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए। क्योंकि उसमें क्या था, इसमें सचिन का स्कूल छूट रहा था और उसके दोस्त छूट रहे थे, लेकिन सचिन समझदार थे, उन्होंने अपना क्रिकेट प्रेम और क्रिकेट के प्रति लगन को देखते हुए अपना दाखिला शारदाश्रम में करने के लिए सहमति दे दी, और यही शारदाश्रम क्रिकेट बनाने की फैक्ट्री के नाम से मशहूर था। तो यही प्रश्न है बच्चों, आपको लिखना है और याद करना है। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, आपका आज का गृह काम है कि इसको लिख करके याद करें।
तो आज का बस इतना ही, शेष प्रश्न कल करेंगे।